इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको OME टीवी के अंदर इस तरीके से दिखाई देता है नो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर जो है आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, डेट एंड टाइम पे जाना पड़ेगा, यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड को आपको टिक करके लगा लेना है अपने टाइम जोन पर, दोनों पर, ठीक है। इससे आपका डिपेंड करता है कि इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा। डेट बहुत कब पहले की होती रहेगी तो आपका इंटरनेट यहाँ पर नहीं चलता है। फिर यहाँ से बैक ला दीजिएगा, ऐप्स में जाइएगा, मैनेज ऐप्स में जाइएगा और यहाँ पर इस एप्लीकेशन को फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा और रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज लगा हुआ हो तो सब पर टिक करके आपको लगा देना है। ये मेन इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी आप बैक ला दीजिए और चेक कर लीजिए कि यहाँ पर इंटरनेट आपके सिम में चल रहा है या नहीं चल रहा है। जिस तरीके से हमारा बंद है तो इसको स्टार्ट कर देना है और उसके बाद एक दफ़ा एरोप्लेन मोड को लगा देना है और बंद कर देना है। और प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को आपको अपडेट भी कर लेना है। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी फिर ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।